हेलो स्टूडेंट, सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रखे हैं फोटो कोऑर्डिनेट्स को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राउंड कोऑर्डिनेट को। चल, सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोटो कोऑर्डिनेट्स को मेजर किया जाता है विथ रेफरेंस टू द फिड्यूशियल लाइंस। यहाँ पर ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को मेजर किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर कैमरे का वर्टिकल एक्सिस बनाता हूँ। सो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का L, यानी कि कैमरे का लेंस। सो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग X एक्सिस, तो ये हो गया हम लोगों का X एक्सिस, ठीक है ना। सो मैं इसी लाइन को डेटम भी कंसिडर करके चल रहा हूँ। सो ये हो गया हम लोगों का डेटम, लिख देता हूँ मैं, ये हो गया डेटम। डेटम यानी कि मीन सी लेवल। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस सपोज वो हो गया पॉइंट ए। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है कि जो ग्राउंड पर पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो हम उसे डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज इसके लिए मैं ग्राउंड बनाने के लिए यहां पर ट्राई करता हूं। सो लेट अस सपोज ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। चल, सो मैंने ट्राई किया यहाँ पर 3D में ग्राउंड को बनाने के लिए। चल, तो लेट अस सपोज ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज पॉइंट ए। तो ये पॉइंट हम लोगों का कंसर्न पॉइंट है, इसी पॉइंट के हमें ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है। सो ये पॉइंट हो गया L। सो इसके लिए कुछ पॉइंट्स और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर, इसको नाम दे देते हैं A डैश। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट अस सपोज A डबल डैश। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट अस सपोज A नॉट, ठीक है। और लेट अस सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसको P नाम दे देते हैं। ये जो हमारा ग्राउंड पर पॉइंट ए है, डेटम से इसका जो हाइट है ये कितना है, ये हाइट इसको कह देते हैं लेट अस सपोज एच ए, ठीक है ना। एच ए यानी कि ये जो हाइट है ये एच ए है। सो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रखना, ये मैंने 3D में बना के रख रखा है, ठीक है। ये एच ए एक ही है, ठीक। चल क्या करते हैं, सारे पॉइंट को ऊपर मैच करा देते हैं इस एल से। तो एक एक करके सारे पॉइंट को मैच कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए डबल डैश पॉइंट को मैच करा दिया, देन ए डैश को मैच कराते हैं। तो मैंने ए डैश पॉइंट को भी यहां पर मैच करा दिया। सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, तो हो सकता है आपको एकदम स्ट्रेट ना दिखे, बट सारी लाइंस है स्ट्रेट लाइंस है। चल, सो ये हो गया हमारा कैमरे का लेंस, दैट इज एल। नाउ कैमरे के लेंस एल से लेकर के, है ना, फोकल लेंथ पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव इमेज प्लेन। चल, तो ऊपर हमें नेगेटिव इमेज प्लेन मिल जाएगा, नीचे पॉजिटिव इमेज प्लेन, क्योंकि नेगेटिव इमेज प्लेन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें कहीं मिल जाएगा पॉजिटिव इमेज प्लेन। अब क्योंकि मैं पॉजिटिव इमेज प्लेन पहले बनाऊंगा, तो यहाँ पर जो चीजें मुझे मेंशन करनी है, है ना, वो उतनी प्रॉपर नहीं निकल जाएगी। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इन सारे पॉइंट को वहां पर मार्क कर दे रहा हूँ, देन इमेज प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। सो यहाँ से इमेज प्लेन से जो हमारा एक्स एक्सिस पास कर रहा है, लेट अस सपोज वो हो गया ये, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन बता रही है कि पॉजिटिव इमेज प्लेन से जो एक्स एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस हम लोग डिस्कस किए थे वहां पर अलोंग द फिड्यूशियल लाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक वाई एक्सिस भी बना देता हूँ। देखिए ये जो ग्राउंड का है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया था, और ये वाला जो एक्सिस है ये ग्राउंड का वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है ना। जो हमारा ग्राउंड का पॉइंट ए है, ठीक है, जो ग्राउंड का पॉइंट ए है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ये हो गया एक्स ए, ठीक है। तो ए से लेकर के ए डैश की जो डिस्टेंस है वो एक्स ए कहलाई। इसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग जो ए पॉइंट है ना, इसका जो डायमेंशन है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये डायमेंशन क्या निकल के आ रहा है,
ये निकल के आ जा रहा है वाई ए, ठीक है, तो ये वाई ए हो गया। नाउ अंडरस्टैंडिंग रखना है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ए डैश से लेकर के ए तक की जो लेंथ है वो वाई ए है, ठीक है, थ्री डी में बनाए रखा है, इसको अंडरस्टैंड करना आप। चलिए, सो अपन ने पॉजिटिव इमेज प्लेन पर यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाया ना, अब मैं यहीं पर वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ, देखना इसके पैरेलल निकल के आएगा, तो इसके पैरेलल यहाँ पर एक एक्सिस बना के मैं देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, कहाँ पर, इमेज प्लेन पर। अब क्या करते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स है हमारे, इन सारे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ए जो पॉइंट है ना, इसको मार्क करेंगे पहले हम लोग, जो ए डैश पॉइंट है इसको मार्क कर लेते हैं। देखना ए डैश किस रे के करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये जो रे निकल के जा रही है इसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। यानी कि देखना ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मैच कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ए डैश को, तो मैंने इसको स्मॉल ए डैश रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पॉइंट है हम लोगों का स्मॉल ए डैश। चल अब ए डबल डैश को मार्क कर लेते हैं, है ना, पॉजिटिव इमेज प्लेन पर। नाउ देखना ये कहाँ जाएगा, इस रे के करेस्पॉन्डिंग आएगा, कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है, यानी कि ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए डबल डैश, तो मैंने ए डैश को और ए डबल डैश को यहाँ पर मार्क कर दिया। अब अपन क्या कर लेते हैं, इस ग्राउंड के ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना है, इसको यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। देखना कैसे है, ये यहाँ से और यहाँ से ऐसे है, ठीक है ना, सो मैं क्या करता हूँ, इसको इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन के पैरेलल इसको लिया और इस पॉइंट के पैरेलल ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन के पैरेलल ये निकल के आके यहाँ और ये आ जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। चलिए, तो अपन को क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया ए, क्लियर है ना। सो मैंने ए पॉइंट को अपनी पिक्चर प्लेन पर कैसे लेकर के आया, आपको समझ में आया होगा ना। अब मैं यहाँ क्या बना देता हूँ, मैं अपने पॉजिटिव इमेज प्लेन को बना देता हूँ। कहानी समझ में आई आपको, मुझे इमेज प्लेन पहले बनाना था, बट क्योंकि ये सारी चीजें मैं उसके बाद बनाने में मुझे डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैंने पहले इन सारे पॉइंट को मार्क कर दिया, देन अब मैं यहाँ पर उस पॉजिटिव इमेज प्लेन को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो पॉजिटिव इमेज प्लेन हो जाएगा हम लोगों का ये, सो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इमेज प्लेन। तो ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव इमेज प्लेन, ठीक है, सो ये हो गया पॉजिटिव इमेज प्लेन, लिख भी देता हूं मैं इमेज प्लेन। चल तो ये पॉजिटिव इमेज प्लेन हो गया, देखना ए से लेकर ए डैश तक की, है ना, ग्राउंड पर जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, एक्स ए, यहाँ पर स्मॉल ए से लेकर स्मॉल ए डैश का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स ए, ए डैश से लेकर के ए ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है वो क्या थी, वाई ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वाई ए, तो ये हो गया स्मॉल वाई ए, क्लियर है। चल क्या करते हैं अपन, अब इसमें सिमिलर ट्राइंगल लगाते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे फोटोग्रामेट्री में हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल मेथड लगाया और जो भी हमें रिजल्ट चाहिए थे, जो भी एनालिसिस चाहिए थे, वो हम लोगों ने इस मेथड से ही हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। चल तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल मेथड लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं ना, अभी अपन को डिटरमाइन क्या करना है, एक्स ए और वाई ए, है ना, ए पॉइंट के लिए। चल तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें जो ग्राउंड पर ए पॉइंट है इसके ग्राउंड कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि एक्स ए चाहिए और वाई ए चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक्स ए को डिटरमाइन करते हैं। एक्स ए को डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ जो कि सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग इस एक्स ए को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उसको समझते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, कैपिटल एल ए और ए डैश, ए डबल डैश, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, एल ए ए डबल डैश। नाउ देखना ये वाला जो ट्राइंगल है एल ए ए डबल डैश, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, एल स्मॉल ए और स्मॉल ए डबल डैश के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल स्मॉल ए और स्मॉल ए डबल डैश के। चल देखना क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, एक्स ए यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल एक्स ए डिवाइड बाय, तो ये एक्स ए कैपिटल एक्स ए डिवाइड बाय स्मॉल एक्स ए, तो ये हो गया स्मॉल एक्स ए इज इक्वल टू
इज इक्वल टू नाउ एक्स ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक की वर्टिकल हाइट, ठीक है ना। सो एल से लेकर के देखना जरा, एल से लेकर के ये वाली जो हाइट है क्या हो जाएगी, डेटम तक की, इस हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, ये कैपिटल एच हो जाएगा, फ्लाइंग हाइट। तो ये हो गई फ्लाइंग हाइट, क्लियर है। चल सो डेटम से लेकर के जो हमारा लेंस है यहां तक की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट की जाती है, दैट इज द फ्लाइंग हाइट। नाउ मुझे क्या चाहिए, जो ए पॉइंट है उस पॉइंट की हाइट चाहिए एल तक की, ठीक है ना। सो देखना ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी कैपिटल एच माइनस का ए पॉइंट का जो एलिवेशन है उसको सब्स्ट्रैक्ट कर दे, यानी कैपिटल एच माइनस का स्मॉल एच है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस का स्मॉल एच ए, क्लियर है ना। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव इमेज प्लेन मैंने बना के बताया है, ठीक है, इसका एल पॉइंट हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो जाएगा फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ के बराबर, यानी कि एल से लेकर के जो स्मॉल ए पॉइंट है उसकी वर्टिकल हाइट क्या है, दैट इज स्मॉल एफ। ना अपन को क्या डिटरमाइन करना है, अपन को तो ग्राउंड का जो पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है। यहां से एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन किया जा सकता है, बिल्कुल देखना एक्स ए कैसे निकल के आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल एक्स ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा h माइनस का h a डिवाइड बाय स्मॉल f। चल नाउ देखिए, अब इस टर्म को ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है, ये टर्म आपको स्केल दिखाई दे रहा है ना, स्केल का रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हम लोग स्केल पढ़ रखे हैं, स्केल क्या था, f बाय h माइनस का h a। नाउ हियर ये जो टर्म है ना, स्केल हम लोग डिटरमाइन कर रखे थे, स्केल क्या था, f by h minus का h a, है ना, यानी कि ये जो टर्म है ये तो 1 by s है। नाउ ये जो स्केल है ये किस पॉइंट का है, ये स्केल है a पॉइंट का, ठीक है नाउ, यानी कि ये जो टर्म है ये हो गया स्केल एट पॉइंट a, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स ए इज इक्वल टू इसको मैं x स्मॉल x a डिवाइड बाय s a, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चले तो जो ग्राउंड का कोऑर्डिनेट x a है हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और s की टर्म में भी लिख सकते हैं। चले तो हम लोग x कोऑर्डिनेट तो डिटरमाइन कर लिए, अब हमें डिटरमाइन करना है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करते हैं। अगेन y कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन दो ट्राइंगल पकड़ लेते हैं जो कि सिमिलर होंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल देखिए कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, एल ए और ए डैश। सो ट्राइंगल एल ए ए डैश सिमिलर होगा किसके, एल स्मॉल ए और स्मॉल ए डैश के। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए, ठीक है सॉरी, इन ट्राइंगल एल ए ए डैश ये सिमिलर होगा किसके, एल ट्राइंगल एल ए स्मॉल ए डैश। चल इस केस में देखिए जो y a है, कैपिटल y a डिवाइड बाय स्मॉल y a इज इक्वल टू किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, है ना, दोनों कंसर्न पॉइंट की हाइट्स। चल तो ये हो जाएगा y a डिवाइड बाय स्मॉल y a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगेन वही a पॉइंट का वर्टिकल हाइट कितना है, h माइनस का स्मॉल a डिवाइड बाय स्मॉल a पॉइंट का एलिवेशन हाइट फ्रॉम द l कितना है, स्मॉल f। तो ये आ जाएगा हम लोगों का h माइनस का h a डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना f। ना अगेन हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें तो y a कैपिटल y a डिटरमाइन करना है। सो ये हो जाएगा y a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल का y a h माइनस का h a डिवाइड बाय f। अगेन इसको भी हम लोग लिख सकते हैं स्केल की टर्म्स में, ठीक है, इसे भी स्मॉल स्केल की टर्म में लिख सकते हैं। अगर इसे मैं स्केल की टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, y a इज इक्वल टू स्मॉल y a डिवाइड बाय स्केल एट पॉइंट a। चल सो दोनों टर्म्स में लिखा जा सकता है। सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं विथ रेफरेंस टू द x एक्सिस और y एक्सिस,
उन्हें कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था इसके पहले फोटो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। तो फोटो कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने डिफाइन मेजर किया था विद रेफरेंस टू द फिड्यूशियल लाइंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्स एक्स, ये जो एक्स वाली लाइन दिखाई दे रही है और वाई एक्सिस वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी फिड्यूशियल लाइंस ही है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोगों ने ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेम टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू।